गहरी है यार, बहुत ज़्यादा गहरी खाई है यार। लाओ भाई आओ, आज हम निकलते हैं जल्दी से जल्दी, अपने को पहुँचना है। वो जो बताई थी ना वो छतरी या मंदिर, हाँ देखते हैं आगे से। बाबा जी, बाबा जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चलो भाई जल्दी चलो, सूर्य अस्त हो चुका है, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ बेटा थोड़ा जल्दी निकल जाना। वो देखो वोरा मंदिर भाई, वोरा भाई वोरा वो मनोज भाई मुझे दिख रहा है कैमरे में भाई, वोरा भाई मंदिर। हाँ भाई और भैया एक चीज और बता दी, तो जो भी पंडित या जो भी बैठे थे ना, हाँ इनको जानकारी तो है बिल्कुल, और ये कुछ है ना, मुझे लग रहा है कुछ तंत्र माया इनमें भी माहिर है। जब मैं अंदर घुसा था ना, हाँ उनके साथ में कोई बैठा था ऐसे, सारे एकदम अंदर जाते ही गायब हो गई वो चीज। वो देखो भाई इधर आओ भाई, सैम सैम ये देखो सैम, एक बार दिखाओ वो देखो, जूम करके दिखाना, उधर नीचे रखो ऐसे 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 रखो, वो ये भाई पकड़ना इधर से, वो ये भाई वो ये, और नक्शा मिला लेता हूँ मंदिर वही है क्या, वो ये भाई सैम वही वही है वही है वही है वही है वही है। लो भाई सूर्यास्त होने से पहले वहाँ पहुँचना, अपने को होने से पहले निकलना है। क्या बोला था बाबा जी ने कि सूर्यास्त से पहले पहले पहुँच जाओ, अंधेरा होने से पहले। अपन वहाँ रुक भी जाएंगे भाई, भाई यहाँ से करीबन मेरे हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर। चलो भाई चलते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ज्वालामुखी फटा है, इतने पत्थर कैसे हैं मनोज भाई। जल्दी चलो सूर्य अस्त के पहले पहुंचना है मंदिर पे। तो ये आराम से आना। भाई आ जाओ आ जाओ, जंगली जानवरों का बहुत खतरा है यहाँ पे, होने से पहले पहुंचना है मंदिर तक। मुझे एक बार बस, भाई आँख क्या हुआ, ठीक है अब तो? जानवर कर रही है यार, बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। दोस्तों यार रात को अंधेरे में उस पहाड़ी पे जानवर खा गया था भाई को, जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहा है तीनों भाइयों के चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना हमारी मेहनत के लिए। गुफा है भाई, जानवर उठता है कोई
हो सकता है मनोज भाई कोई जमाने में यहाँ साधु संत रहते होंगे। मनोज भाई ये नहीं है रास्ता, मुझे नहीं लग रहा गिर जाओगे इस खाई में। रास्ता मेरे हिसाब से इस तरफ से है। दोस्तों यार एकदम खड़ी चढ़ाई है, गिर भी सकते हैं हम। क्योंकि इस पहाड़ी ओ मनोज भाई बिल्कुल आराम से। दोस्तों रास्ता देख सकते हो आप, यहाँ कोई प्रोफेशनल रास्ता नहीं है। हमारी जर्नी का कुछ एक हिस्सा हम आपको दिखा पा रहे हैं, पूरा वीडियो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और भाई वीडियो बंद करके यहाँ से फुर्ती से निकलना पड़ेगा। एक बार देखो इधर रास्ता किधर से आया, मुझे नहीं लग रहा है। और इधर आओ, इधर कोई प्रोफेशनल रास्ता ढूंढो जिससे कोई तकलीफ ना हो। यार भाई आप लोगों के काफी कमेंट आ रहे थे कि भाई दिन में दिखाओ दिन में दिखाओ, तो यार हमने ये वीडियो इसीलिए डाली है कि आपको दिन का व्यू भी दिखा सके कि हम रेगुलर चल रहे हैं। दिन में हम सिर्फ हमारे कैमरा मोबाइल को हम चार्ज पे लगा देते हैं, सोलर पैनल। अब जैसे ही रात हुई है तो अभी हमारे पास चार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं, दिन भर हम ये हमारे जैसे हमारे पास जो हमारे पावर बैंक जो भी होते हैं उन सबको हम चार्ज कर लेते हैं और रात को फिर जाके और इनसे जैसे ये मेरा सोनर ये पावर बैंक है इनसे हम इनको चार्ज करते हैं, कैमरे लाइटें सब दिन में चार्ज होती है और रात को फिर जब हम आवाज आ रही है मनोज भाई पीछे से कोई है
उसमें जो झरना था ना, मुझे लगता है वो झरने का रास्ता है। कोई ये झरना ही है ये देखो, मैंने जो रास्ता बताया था ना झरने का, ये देखो भाई ये नदी से झरने का रास्ता है। ये देखो ये पहाड़, जिस पहाड़ से अपन उतरे, ठीक है, ये पहाड़ जो ये था पहाड़, ठीक है, इस पहाड़ के पास से ये जो ये देखो ये झरना जा रहा है और ये मंदिर पहुँचेंगे अपन। ये पहाड़ और ये पहाड़ से होता हुआ झरना, इसके ये आगे मंदिर पहुँचेंगे। सही रास्ते पे भाई दोस्तों यार, अभी तो हम ये चलता होगा, जब ये मैप बना था ना, जब ये नक्शा बना था उस टाइम ये यहाँ पे पानी चलता होगा। अभी तो हम कैमरा वापस बंद कर रहे हैं, आगे जो भी क्लू मिलेगा तुरंत कैमरा ऑन कर लेंगे, क्योंकि सारी वीडियो हम बना नहीं सकते, तो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे दोस्तों, ताकि और लोगों को भी पता चलेगी एक राजस्थान में ऐसी भी जगह है जहाँ पर खजाना दबा हुआ है।